सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि गांधी जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शीघ्र स्कूल के मैदान में आ जाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें, परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। आपके सामने जब भी कोई कठिनाई आए तब बापू की सीख याद करना, उनके शब्द आपको सही दिशा दिखाएंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भयमुक्त होकर तथा मन लगाकर तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभय अपने दोस्त साहिल को परीक्षा के बारे में बताने का निर्णय लेता है। वह पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि वह एक दुर्घटना में चोट लगने के कारण डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। साहिल, कैसे हो और अब तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कुछ दिनों में वापस स्कूल आऊँगा, पर मेरे नोट्स अधूरे हैं। चिंता मत करो, तुम मेरे नोट्स ले लो और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद अभय। अभय, कैसे हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। आज हमने स्कूल में गांधी जयंती मनाई और हेडमिस्ट्रेस मैम ने हमें गांधी जी की सीख के बारे में बताया। सच में? मैम ने क्या बताया? उन्होंने बताया, गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें, परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा, गांधी जी की सीख आज भी अनमोल है। मैं आशा करती हूँ कि युवा बच्चे उनके सिद्धांतों और सीखों का पालन करें। शुक्र है अभय ने मुझे अपने नोट्स दे दिए, लेकिन पता नहीं इतने कम समय में मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूँगा। मैं तो बस इनसे परीक्षा में नकल कर लूँगा। गुड मॉर्निंग साहिल, सब ठीक है? मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज परीक्षा में नकल करने का सोचा था, लेकिन मुझे गांधी जी की सीख याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इंसान को ईमानदारी बरतनी चाहिए, फिर सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, इसलिए अब मैं नकल नहीं करूँगा। कृपया मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ साहिल, मैं तुम्हें दूसरा और अंतिम मौका दूंगी, पर तुम परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए खूब पढ़ाई करो। मैंने आज हेडमिस्ट्रेस मैम से बात की, तुमने मुझे गांधी जी की जो सीख बताई उससे मुझ में सच बोलने का हौसला आया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सच कहा। इस पार्क में इतनी भीड़ क्यों है? चलो चलकर देखते हैं। नमस्कार अंकल, ये क्या हो रहा है? ठेकेदार कुछ मजदूरों के साथ पार्क तोड़ने आया है, उनकी यहाँ पर दुकानें बनाने की योजना है। ओ नहीं, ये हमारा पसंदीदा पार्क है। चलो जल्दी हेडमिस्ट्रेस मैम को खबर करते हैं। मैं इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करूंगी। सर, हमें आपकी मदद चाहिए, कृपया कुछ कीजिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोकिए, वो पार्क हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ मैम, लेकिन बच्चे तो कहीं और भी खेल सकते हैं, दुकानें खुलने से जिले का व्यापार बढ़ेगा। सर, दुकानें कहीं और भी खुल सकती हैं, बच्चे पार्क में व्यायाम करते हैं और विभिन्न खेल खेलते हैं, हमें उनकी तंदुरुस्ती और खुशी नहीं छीननी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पर्यावरण और सामुदायिक जीवन को लेकर इतना जागरूक हैं। मैं मामले की जांच करूंगा और दुकानें खोलने के लिए दूसरी जगह निर्धारित करूंगा, पार्क को कुछ नहीं होगा। हमारे मूल्यों से हमारी सोच, हमारे शब्द एवं हमारे कार्य बनते हैं।
तथा हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। ज्ञान और कौशलों के साथ साथ शिक्षार्थियों को मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि यह अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी एवं संधारणीय समाज बनाने में योगदान देते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से जुड़ाव एवं तेजी से बढ़ती दुनिया में यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक मिलकर कार्य करे, जिसमें वे सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिक के रूप में जागरूक होकर सहानुभूति पूर्वक जुड़े।